महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर से पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे पर जोरदार हमला बोला है। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ मतभेदों की शुरुआत 2019 से शुरू हुई थी। हम गद्दार नहीं हैं। जो हुआ वो महाराष्ट्र के सिद्धांतों की क्रांति हुई थी। उद्धव ठाकरे को आत्ममंथन की जरूरत है। सीएम शिंदे ने उद्धव गुट के महाराष्ट्र के हाथों से निकल रही विकास परियोजनाओं के आरोपों और उद्धव ठाकरे के साथ रिश्तों के सुधार होने या नहीं होने इस पर भी जवाब दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक निजी चैनल के कॉन्क्लेव में उद्धव गुट के साथ मतभेदों पर पहली बार खुलकर अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम असली शिवसैनिक हैं। हमने बालासाहेब ठाकरे के विचारों को आगे बढ़ाया है। हमारे नाम के साथ भले ही ठाकरे ना हो, लेकिन हम ही हैं जो बालासाहेब की असली विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। शिवसेना का भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा से साथ रहा है। एक सवाल के जवाब में एकनाथ शिंदे ने कहा कि उनकी और उद्धव ठाकरे के बीच खटास कभी दूर होगी या नहीं, यह तो नहीं मालूम, लेकिन इतना ज़रूर है कि अभी भारतीय जनता पार्टी और हमारी शिवसेना को जनता का समर्थन प्राप्त है। फिलहाल हम बाला साहेब के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। अब भविष्य में उन लोगों यानी उद्धव ठाकरे गुट को सोचना है कि वो क्या करते हैं या करेंगे। मुख्यमंत्री शिंदे ने इस दौरान आगे यह भी कहा कि हम गद्दार नहीं हैं। हमने महाराष्ट्र की राजनीति में ऐतिहासिक रूप से सिद्धांतों की क्रांति की है। साल 2019 में महाराष्ट्र की जनता ने बीजेपी और शिवसेना गठबंधन को वोट दिया था, लेकिन फिर हमारी पार्टी की ओर से कांग्रेस और एनसीपी का साथ गठबंधन कर लिया गया, जो अनैतिक था। वहीं से हमारे उद्धव ठाकरे के साथ मतभेद शुरू हुए। हमारा विजन साफ है, लेकिन दूसरी ओर उद्धव ठाकरे को आत्ममंथन की जरूरत है। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।